आदरणीय लोकतंत्र में जिनका भरोसा नहीं होता है वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता है। अपशब्द बोलो, भाग जाओ, कूड़ा कचरा फेंको, भाग जाओ, झूठ फैलाओ, भाग जाओ, यही जिनका खेल है। ये देश इनसे अपेक्षा ज्यादा नहीं कर सकता है। अगर इन्होंने गृह मंत्री जी की मणिपुर की चर्चा पर सहमति दिखाई होती तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी, हर पहलू पर चर्चा हो सकती थी और उनको भी बहुत कुछ कहने का मौका मिल सकता था, लेकिन उनको चर्चा में रस नहीं था। और कल अमित भाई ने विस्तार से इस विषय की चीजें जब रखी तो देश को भी आश्चर्य हुआ है कि लोग इतना झूठ फैला सकते हैं, ऐसे ऐसे पाप करके गए हैं लोग। और उन्होंने आज जब अविश्वास का प्रस्ताव लाए और अविश्वास के सारे विषय पर वो बोले तो ट्रेजरी बेंच का भी दायित्व बनता है कि देश के विश्वास को प्रकट करें, देश के विश्वास को नई ताकत दें, देश के प्रति अविश्वास करने वालों के लिए करारा जवाब दें। ये हमारा भी दायित्व बनता है। हमने कहा था अकेले मणिपुर के लिए आओ चर्चा करो, गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिखकर के कहा था, उनके विभाग से जुड़ा विषय था, लेकिन साहस नहीं था, इरादा नहीं था और पेट में पाप था, दर्द पेट में हो रहा था और फोड़ रहे थे सर, इसका ये परिणाम था। आदरणीय अध्यक्ष जी, मणिपुर की स्थिति पर देश के गृहमंत्री श्रीमान अमित शाह ने कल दो घंटे तक विस्तार से और बड़े धैर्य से रत्ती भर भी राजनीति के बिना सारे विषय को विस्तार से समझाया, सरकार की और देश की चिंता को प्रकट किया और उसमें देश की जनता को जागरूक करने का भी प्रयास था, उसमें इस पूरे सदन की तरफ से एक विश्वास का संदेश मणिपुर को पहुंचाने का इरादा था, उसमें जन सामान्य को शिक्षित करने का भी प्रयास था, एक नेक ईमानदारी से देश की भलाई के लिए और मणिपुर की समस्या के लिए रास्ते खोजना एक प्रयास था। लेकिन सिवाय राजनीति कुछ करना नहीं है, इसलिए इन्होंने यही खेल किए, यही स्थिति किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है, मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया, अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं, अब उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई, अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए, महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा, मणिपुर फिर एक बार
नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं बहनों बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है, हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे, वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोर कसर नहीं रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहां सदन में मां भारती के बारे में जो कहा गया है, उसने हर भारतीय की भावना को गहरी ठेस पहुंचाई। अध्यक्ष जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है, सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते हैं। और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। मैं हैरान हूं, और ये बोलने वाले तो कौन लोग हैं, क्या ये देश भूल गया है, ये 14 अगस्त विभाजन विभीषिका पीड़ादायक दिवस आज भी हमारे सामने उन चीख को लेकर के, उस दर्द को लेकर के आता है। ये वो लोग जिन्होंने मां भारती के तीन तीन टुकड़े कर दिए। जब मां भारती की गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना था, जब मां भारती की जंजीरों को तोड़ना था, बेड़ियों को काटना था, तब इन लोगों ने मां भारती की भुजाएं काट दी, मां भारती के तीन तीन टुकड़े कर दिए। और ये लोग किस मुंह से ऐसा बोलने की हिम्मत करते हैं आदरणीय अध्यक्ष जी। ये वो लोग हैं जिस वंदे मातरम गीत ने देश के लिए मन मिटने की प्रेरणा दी थी। हिंदुस्तान के हर कोने में वंदे मातरम चेतना का स्वर बन गया था। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उन्होंने मां भारती के ही टुकड़े किए, इतना नहीं वंदे मातरम गीत के भी टुकड़े कर दिए लोग। ये वो लोग हैं माननीय अध्यक्ष जी जो भारत के जो टुकड़े होंगे। ये गैंग, ये नारा लगाने वाले लोग, इनको बढ़ावा देने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए पहुंच जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। ये उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि सिलीगुड़ी के पास जो छोटा सा नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला कॉरिडोर है उसको काट दें तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। ये सपना देखने वालों का जो लोग समर्थन करते हैं आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जरा इनको, जहां भी हो जरा मेरा सवाल अगल बगल में बैठे हुए को जवाब दें, ये जो बाहर गए ना उनको जरा पूछें
कि कच्छ तिवु क्या है, कोई पूछे इनको कच्छ तिवु क्या है, इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूं ये कच्छ तिवु है और ये कच्छ तिवु कहां आया, जरा उनको पूछ लीजिए, इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ तिवु वापिस ले आइए। एक कच्छ तिवु है क्या, किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था, कब दिया था, कहां गई थी, क्या ये भारत माता नहीं थी वहां, क्या वो मां भारती का अंग नहीं था?